अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूं आपका दोस्त अदनान। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। गाइस अभी हम लोग आए हैं प्राइम सोपर में, जहां पे है पिज़्ज़ा वीज़ा कैफ़े। तो ये पिज़्ज़ा वीज़ा कैफ़े का फूड हम लोग ट्राई करने वाले, जो कि अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड में कौन से वेराइटी है, तो आइए हम लोग चलते हैं, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चलो गाइस, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस एक्चुअली यहाँ पे 24 टाइप्स के सलाद है, जो कि अलग अलग डिफरेंट सलाद है, जो कि दिखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो आइए मैं आपको पास में बताता हूँ कौन सी चीज़ क्या है, वो आइए। सो गाइस देखिए, ये कुछ मायोनीस है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मायोनीस है। और दूसरी ये चीज़ देख सको, ये पास्ता है जो कि मैंगो फ्लेवर में, जो कि स्वीट है। और ये एक और सलाद है, और देख सकते हो सेम ऐसा ही कुछ और एक सलाद है। एक एक करके हम लोग टेस्ट करेंगे। साथ में ये बनाना सलाद है। और दूसरा एक चीज़ बताऊं कि ये जो चीज़ है, ये कैबिज के अंदर जो मायोनीज डाल के बनाया जाता है, ये मेरा फेवरेट सलाद है। और दूसरी आप ये एक चीज़ देख रहे हो, ये एक्चुअली कोकोनट है। कोकोनट में पोमेग्रेनेट और काली दरक डाली हुई है। और ये दूसरा देख सकते हो, ये कॉर्न है, मिक्स कॉर्न रहेगा, जो कि काफ़ी अच्छा भेल जैसा लगता है। और ये मे भी एक पास्ता है। और ये देख सकते हो वाटरमेलन, और ये लेटस है। और ये जो है पानीपुरी का मसाला है, जो कि आलू है। और ये भी देख सकते हैं एक तरीके का आलू है, ये भी चना मसाला है, इसके अंदर अनियन डाल के लोग ने मैरिनेट किया गया है। ये और एक सलाद है। और दूसरा आप ये सलाद देख सकते हो, ये भी शायद मे बी चना मसाला ही है। और ये देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में तो। और ये दूसरा एक है, ये नूडल्स है, जो कि थोड़ा सा कोल्ड था, ठंडा था। और ये और एक पास्ता है। एक्चुअली ये जो सलाद की वैरायटी है, सभी सब ठंडी है। ये भी एक कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सलाद है। और दूसरी एक चीज़ बता दूं कि ये भी कॉर्न के अंदर, टोमेटो ग्रेवी के अंदर कॉर्न है, वो भी एक सलाद ही रहता है। साथ में ये सोया चाप थी, जो कि काफ़ी अच्छी है। और दूसरी देखिए बाकी क्या, हम लोग आ गए, अब जाएंगे हम लोग मेन कोर्स की तरफ। आप तो अभी आप देखिए कि ये सलाद के अंदर 24 टाइप्स की वैरायटी है। तो आइए आपको मेन कोर्स में बताता हूँ। और मेन कोर्स के अंदर है ये फ्राई राइस है, और दूसरा ये भाजी है, जिसको ब्रेड के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और देखिए ये कुछ नूडल्स है, जो कि हक्का नूडल्स है। और ये पास्ता, ये भी चाइनीज़ बेस में ही था। और ये है एज यूजुअल वेज मंचूरियन, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और देख सकते हैं फ्रेंच फ्राइज है, जो कि ख़त्म हो गई थी और उन्होंने बाद में इसको रिफ़िल कर दिया था। ये मंचूरियन और चाइनीज़ आइटम अभी ट्राई करेंगे। एज यूजल हम लोग मंचो सूप ट्राई करते हैं, लेकिन अभी मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करते हैं। तो मैंने अभी टोमेटो सूप लिया है, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसका टेस्ट हम लोग करके बताते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। और गरम गरम टोमेटो सूप पीने की मज़ा आ रही है। सो फ्रेंड्स ये देख सकते हो आप, कुछ सलाद है, ये हम लोग ने एक एक बाउल के अंदर ले लिया है। लेकिन सब सलाद नहीं लिए, कुछ सलाद ही लिए है। और ये हमने थोड़ी सी मात्रा में लिए है, ताकि फूड का ज़्यादा वेस्ट ना हो, बल्कि वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। और ये जितना भी सलाद हमने लिया है, ये हम लोग कुछ लोग मिल के इसको फिनिश। सो अभी मुझे एज यूजल पीनट भी पसंद है, कॉर्न भी पसंद है। तो आइए सबसे पहले हम लोग कॉर्न ट्राई करते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये कुछ कॉर्न है, ये कॉर्न है, इसमें काफ़ी मसाला लगा हुआ है। जिस तरीके से हम लोग कॉर्न भेल खाते हैं, उस तरीके का ही टेस्ट इसमें आ रहा है। अभी हम लोग पीनट ट्राई करते हैं। ये देखिए कोकोनट है, खोपरा जिसे कहते हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा आना डाला हुआ है। ये जो काली दरक रहती है, वो थोड़ी डाली हुई है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है स्वीट टेस्ट में ये। और दूसरी ये है आए प्रोटीन ऑल ओवर। यहाँ पे जितने भी सलाद है वो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग ट्राई नहीं कर पाए। अभी मेन कोर्स भी बाकी है, तो हम लोग वो भी ट्राई करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग ने मंगाया है मोजीतो। ये मोजीतो है, वाटरमेलन मोजीतो है, और ग्रीन एप्पल है। यहाँ पे देखिए ये अनलिमिटेड फूड के साथ ये भी है, करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग ये जो हमारा सलाद है ये एंजॉय करेंगे, उसके बाद मेन कोर्स पर जाएंगे। और मेन कोर्स में क्या क्या चीज़ है और कौन से पिज़्ज़ा है, वो भी आपके साथ शेयर करना। तो गाइस देखिए मेन कोर्स के अंदर ये सब चीज़ें हैं, राइस है, एक कुछ ग्रेवी है, ये नूडल्स है, साथ में ग्रेवी के खाने के लिए ब्रेड दिया हुआ है, ये पास्ता है, पास्ते के बाद ये मंचूरियन है, और मंचूरियन के बाद ये फ्रेंच फ्राइज है, जो कि ख़त्म हो गई थी। मुझे सोच रहा था मैं पता नहीं कौन सी ग्रेवी है, लेकिन एक्चुअली ये ग्रेवी जो है ये भाजी है, और ये पाव साथ में दिया है, तो भाजी पाव है, ये हम लोग एंजॉय करेंगे। एक्चुअली ये भी काफ़ी अच्छी है,
और गाइस अनलिमिटेड के अंदर इतनी सारी वैरायटी मिल रही है। अभी ये यहाँ के नूडल्स हैं मेन कोर्स में, ये पूरा चाइनीज बेस पे है। ये जो राइस है, हम लोग ये राइस ट्राई करेंगे। ये दोनों के दोनों आइटम चाइनीज बेस पे है, जो कि काफ़ी अच्छा है। जिसको चाइनीज पसंद है उसको तो मज़ा आने वाला है। और दूसरी मेन कोर्स के अंदर ये जो है मंचूरियन, और ये मंचूरियन हम लोग ट्राई करेंगे अभी। अभी गाइस दोपहर के 3 बज रहे हैं और 3 बजे हम मंचूरियन राइस और नूडल खा रहे हैं, जो कि रात में ये चीज़ें मिलती है, लेकिन हम लंच के टाइम पे इसको एंजॉय कर रहे हैं। अभी इतना सिर्फ कर दिया था, अभी ये पास्ता भी हम लोग ट्राई कर लेंगे। तो वैरायटी यहाँ पे कि हम लोग कौन सी डिश, एक एक चीज़ हम लोग टेस्ट भी कर रहे हैं, तो हमारा स्टमक फूल हो रहा है। अभी हमारा पिज़्ज़ा और वो सब चीज़ें भी बाकी है। अभी फिलहाल थोड़ा टाइम ये एंजॉय करते हैं हम लोग। और दूसरी यहाँ पे एक और चीज़ है, जो कि पानी पूरी भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो पानी पूरी भी हम लोग ज़रूर ट्राई करना चाहेंगे। और ये हम लोग ने आलू इसमें फिल किया, और देखिए कुछ इस तरीके से ये लोग ने पानी। तो देखिए ये कुछ मार्गरेटा पिज़्ज़ा है, जो कि चीज़ से ओवरलोडेड है। इसके बाद आया है चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा, जो कि इसमें भी काफ़ी चीज़ है। ये पनीर पिज़्ज़ा है, और दूसरा इनका फोर्थ पिज़्ज़ा था क्रिस्पी पिज़्ज़ा, जिसका ब्रेड जो रहता है वो काफ़ी क्रिस्पी था। तो काफ़ी एंजॉय किया हमने चारों चार पिज़्ज़ा। और उसके बाद आया था गार्लिक ब्रेड, जो कि काफ़ी अच्छा था। पिज़्ज़ा के ऊपर केचप लगाया, केचप लगाने के बाद इसको, जो पिज़्ज़ा है काफ़ी चीज़ से लोडेड है, और मुझे ये खाने में तो बहुत मज़ा आ रहा है, इसको एंजॉय करेंगे। अब एक गार्लिक ब्रेड है, इसके ऊपर हम लोग केचप डाल रहे हैं, ये भी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा लोडेड है। यस, बहुत ही अच्छा। देखिए लंच करने के बाद ये लोग अभी फोटो शूट कर रहे हैं, वो भी इनके पैरों के। इसमें क्या कर रहे हो अभी, हाँ फोटो खींचा अपने फेस के, खींचा या पैरों को खींचा, क्या करोगे है? और अजी कैसा रहा आज का लंच, मज़ा आया? अब अच्छे से खाया, मज़ा आया कि नहीं आया? और आरती कैसा रहा, मज़ा आया कि नहीं? और खाया लगा नहीं मुझे कि तूने खाया यार, सही से खाया? ब्लूबेरी एक और पीना है, हाँ जगह तो एक और ट्राई कर, हमने तो अभी चाय भी ट्राई कर ली थी। हाँ और फलक में कैसा रहा, सब अच्छा था पहले से ही? ईश्वर जी अमरीन बोलो कैसा रहा आज का लंच, मज़ा आया ना? बस यही चीज़ अपना मोटो यही है कि अपने आके थोड़ा सा एंजॉय कर ले, है ना? और कैसा रहा आज का लंच, मज़ा आई, खाया ना अच्छे से? और अभी ये हिना का बाकी है, अभी ये थोड़ा सा, हिना कैसा रहा बोलो? तुमने बोला था ना मिनी व्लॉग में, नहीं सर मुझे अभी खिलाने वाला नहीं, तो तेरा ही खाने वाला, सब खा के उठ गया, अभी तू ही बाकी है ना? कैसा रहा बोल आज का, मज़ा आया, एंजॉय किया है ना? सो गाइस पिज़्ज़ा विज़ा में हम लोग ने काफ़ी अनलिमिटेड चीज़ें हम लोग ट्राई करी। यहाँ पे 24 टाइप्स के अलग अलग सलाद हमने ट्राई किया है, और मेन कोर्स के अंदर जो चाइनीज़ आइटम थी वो हम लोग ने ट्राई की। यहाँ पे पानी पूरी ट्राई किया हम लोग ने, मॉकटेल ट्राई किया, यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक थी वो हमने ट्राई किया, और लास्ट में हम लोग ने डेजर्ट भी ट्राई किया। और उसके बाद हम लोग ने, जिग्नेश भाई ने हमको चाय भी पिलाई थी। और जिग्नेश भाई कौन है, वो यहाँ के ओनर है, तो आइए चलते हैं उनके, थोड़ी बात करते हैं। आप जिग्नेश भाई कैसे हो? बस मज़े में। और एक्चुअली मैंने ये हम लोगों ने फर्स्ट टाइम है पिज़्ज़ा विज़ा पे, और यहाँ की जो वैरायटी है मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, काफ़ी फ्रेश थी। यहाँ का जो आपका जो स्टाफ है वो भी काफ़ी हम्बल स्टाफ है, सर्विस भी आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने पर्सनली आपका किचन भी देखा, किचन के अंदर भी साफ़ सफाई काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया। तो आप इतनी सारी चीज़ें आप क्या प्राइस में दे रहे हो, आप वो बता सकते हो क्या प्राइस में? अभी हमारा लंच का जो एडल्ट का रेट है ना वो 269 है। 269, हाँ। और डिनर का जो रेट है 299 है। और किड्स का जो रेट है लंच का वो हमारा है
219 और डिनर का है वो 249 है। इट मीन्स इतनी सारी चीज़ें आप काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में दे रहे हो। एक्चुअली यही प्राइस है कि इसके ऊपर कुछ GST वगैरह कुछ ऐड है? प्लस 5% GST है, यानी थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने एक्चुअली बाहर बोर्ड देखा, बाहर बोर्ड के ऊपर ऐसा लगा था 3% 1% फ्री, वो क्या है वो समझ में नहीं आया। नहीं, वो अभी क्या है कि हम 29 दिसंबर तक ये ऑफर चला रहे हैं, क्योंकि हम अभी हमारी ब्रांड को प्रेजेंट कर रहे हैं, आपको उनसे रूबरू करवा रहे हैं, इसलिए हमारी ऑफर ये चल रही है। कितना टाइम हुआ है यहाँ पे? आज हमारा 15 दिन हुआ है। 15 दिन? हाँ, 15 दिन। और गाइस यहाँ पे सिर्फ ये ओपन हुए 15 दिन ही हुआ है और काफ़ी अच्छी ऑफर भी चली है। ऑफर में कैसा है कि 3% आप आते हो ना तो उस पर 1% फ्री है। एंड आप देखिए कि अनलिमिटेड पिज़्ज़ा, इतने ज़्यादा 24 टाइप्स ऑफ सलाद है, मेन कोर्स है, इतनी सारी चीज़ें, साथ में मॉकटेल आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये एक मॉकटेल भी देते हैं वो सिर्फ लिमिटेड रहता है, बाकी जो सॉफ्ट ड्रिंक है ना वो अनलिमिटेड रहती है। तो गाइस इतनी सारी चीज़ें आप देख सकते हो कितनी कम प्राइस में मिले, ऊपर से ऑफर है। तो ऑफर कब तक है? ऑफर हमारी 29 दिसंबर तक चलेगी और हमने कॉलेजियन के लिए भी ऑफर रखी है कि एवरी कॉलेज का कोई भी बच्चा आएगा, आईडी कार्ड कंपलसरी है, तो उसको बाय टू गेट वन है अनलिमिटेड कॉलेजियन के लिए। हाँ, यानी और हमारा आला कार्ड का जो मेनू है आला कार्ड का, उसमें बाय वन गेट वन है, ओनली सिर्फ कॉलेजियन। कॉलेज पर्सन आते हो तो 1% आओगे तो अनलिमिटेड आप 2% खा के जा सकते हो। मेरे को भी मेरा कॉलेज का आईडी कार्ड ढूंढना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम के लिए, तो फिलहाल अभी तो हमने कर लिया। ये पहला बता देता, हम लोग सबके पास एक आध आईडी ले लेते तो और कम हो जाता हमारा। तो मुझे तो यहाँ का फूड बहुत ज़्यादा पसंद आया। होप गाइस ये आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन क्लिक करना। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वाह।